अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है और इसे किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारा मेन कीवर्ड है उसकी कितनी परसेंटेज एक पेज में यूज़ हुई है। इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि हम सर्च इंजन को बता सकें कि हमारा पेज किस चीज़ के बारे में है। लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, 2.5% यूज़ होती थी, लेकिन अब चूंकि वक्त बदल चुका है अब इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ओपन करें, नीचे जाएँ SEO एनालिसिस में, तो यहाँ पे आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी का। ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपका जितना कंटेंट है उसके हिसाब से आपको 3 दफ़ा यूज़ करना चाहिए। पहले यहाँ पे परसेंटेज यूज़ होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये अमाउंट बताते हैं कि आप इतनी अमाउंट यूज़ करो। उसके अलावा सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने मेन कीवर्ड को लिखें गूगल के ऊपर। जैसे ये कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग माउस, अगर आप पहली पोजिशन वाले आर्टिकल को ओपन करें और यहाँ पे सर्च करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्राइमरी कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। तो इतनी दफ़ा आप अपने आर्टिकल्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्ड काउंट जो है वो आपका सेम होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास SEO क्विक एक्सटेंशन है तो आप यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करवा देगा कि किन वर्ड्स की कितनी डेंसिटी है। अगर आप यहाँ से 3 वर्ड सेलेक्ट करें तो आपको 3 वर्ड्स दिखाएगा, और 4 वर्ड सेलेक्ट करें तो आपको 4 वर्ड दिखाएगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।